हिमाचल प्रदेश में समोसा पर सियासत तेज हो गई है। शिमला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अनोखा मार्च निकाला, जिसे समोसा मार्च का नाम दिया गया। इस मार्च के जरिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की कोशिश की। हिमाचल की राजनीति में समोसों पर घमासान हो रहा है। सीएम को समोसे न मिलने पर बवाल मच गया है। अब हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को मामले में घेरा और कहा कि हिमाचल सरकार बिना सोचे समझे फैसले ले रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश इन दिनों में चर्चा में इसलिए है कि उनकी सरकार ऐसे कुछ फैसले ले रही है जिनके कारण पूरे देश भर में जगनसाई हो रही है। समोसे तो एक बात है, लेकिन हैरानी की बात इस चीज को लेकर के हमको हो रही है कि उसको सरकार विरोधी गतिविधि बताया गया। ऐसा तो है नहीं कि समोसे उन्होंने किसी विपक्ष के नेता को खिलाए, विपक्ष के लोगों को खिलाए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगवाए गए समोसे उनके सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए। अब समोसे पर बैठी जांच की आज कहां तक जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल राज्य की राजनीति समोसे के इर्द गिर्द घूम रही है।